हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाने के बाद स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को किस तरह से हम रिवाइज करें ताकि हमारा कोई भी इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न छूट ना जाए, और हम कैसे इतना क्विकली रिवाइज कर सकते हैं इतने कम समय में। सो, आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम लेकर के आए हैं। आज इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को रिवाइज करेंगे, दैट इज़ TPA को आज हम रिवाइज करने वाले हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड मेनली प्रिलिम्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम TPA को रिवाइज करेंगे। हम देखेंगे कि किस पर्टिकुलर प्रोविज़न से किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में फ्रेम होते हैं, क्या क्या वो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जिन्हें कि आप बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते। एंड साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनको आप लेफ्ट आउट कर सकते हैं, जहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बनते। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प आउट एवरी स्टूडेंट। ओके, सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखिए, सबसे पहले आपका काम क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जो होता है किसी भी पर्टिकुलर एक्ट का, दैट इज़ योर इंडेक्स पोर्शन। किसी भी एक्ट को जब आप वाइंड अप करते हैं तो सबसे ज़रूरी आपका होता है इंडेक्स, कि आप एक्ट के इंडेक्स को देखें कि वो जो पर्टिकुलर एक्ट है कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, या पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने सेक्शंस उसके अंदर हैं, या कोई शेड्यूल अगर उसके अंदर दिए गए हैं तो कितने शेड्यूल हैं। ओके, ये सब आपको सबसे पहले ध्यान से देखना होता है। इवन जब भी आप रिवाइज़ भी करें तो भी इंडेक्स से ही रिवाइज़ करना स्टार्ट करें। सो, देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने चैप्टर्स में ये एक्ट डिवाइडेड है। सो, चैप्टर वन, दैट इज़ प्रिलिमिनरी, जहाँ पर आप चार सेक्शंस पढ़ते हैं, एंड इन चार सेक्शंस में से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज़ योर इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जहाँ पर कि डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं। नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर टू, रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़। देखिए, चैप्टर टू आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम सेक्शन 5 टू सेक्शन 53A तक, आपका ये चैप्टर टू ख़त्म होता है। ओके, एंड यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। अभी हम डिटेल में समझेंगे कि किस पर्टिकुलर प्रोविजन से किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं। देन वी कम टू चैप्टर 3, जो कि डील करता है रिगार्डिंग द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किस तरह से सेल किया जाता है। सो, सेक्शन 54 से लेकर के 57 तक के कुछ सेक्शंस हैं जो कि डील करते हैं विद सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देन वी कम टू चैप्टर 4, रिगार्डिंग मॉर्गेज एंड चार्ज। देखिए, मॉर्गेज और चार्ज दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का एक ही चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर 4, जो कि आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम सेक्शन 58 एंड ये एंड होता है ऑन सेक्शन 104। ओके, देखिए, जब कभी आप रिवाइज़ करें तो आप भी इसी तरह से रिवाइज़ करें कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर किस सेक्शन से स्टार्ट होकर के किस पर्टिकुलर सेक्शन पर ख़त्म हो रहा है। देन वी कम टू चैप्टर 5, रिगार्डिंग द लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि आपका सेक्शन 105 टू सेक्शन 117। नेक्स्ट वी कम टू चैप्टर 6, दैट इज़ एक्सचेंज। यहाँ पर हमें चार सेक्शन देखने को मिलते हैं, 118 टू 121। देन चैप्टर 7, दैट इज़ गिफ्ट फ्रॉम 122 टू सेक्शन 129। एंड लास्ट इज़ चैप्टर 8, रिगार्डिंग एक्शनेबल क्लेम फ्रॉम सेक्शन 130 टू 137। ओके, सो हमने क्या देखा कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, दैट इज़ TPA जो है, वो डिवाइडेड है इन 8 चैप्टर्स एंड 137 सेक्शंस। ओके, सो इतना जानने के बाद अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एक शेड्यूल भी दिया गया है, इस बात को भी याद रखें।
नेक्स्ट, फिर आपको किसी भी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि उसका एक्ट नंबर क्या है. तो याद रखें, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज़ एक्ट नंबर 4, एंड इनेक्टमेंट डेट आपको याद रखनी है, एनफोर्समेंट डेट आपको याद रखनी है 17th of February 1882, ये आपका इनेक्टमेंट डेट है, एंड 1st of July 1882 ये आपका एनफोर्समेंट डेट है. ऑल्सो कई बार एग्जाम में क्या होता है, प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो एक्ट है इसका क्या ऑब्जेक्ट है. तो याद रखें, टीपे का मेन ऑब्जेक्ट है टू डिफाइन एंड अमेंड. ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ. ऑल्सो एक और बात याद रखें कि टीपीए जो है वो डील करता है रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़, कि जहाँ पर दो पार्टीज़ अपने किसी एक्ट के द्वारा किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करती हैं. ओके, नेक्स्ट फिर आपसे जो क्वेश्चन फ्रेम होता है, दैट इज़ सेक्शन 2 से कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता. केवल याद रखें कि सेक्शन 2 डील करता है रिगार्डिंग द रिपील्स एंड सेविंग्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर आपका आता है सेक्शन 3, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जहाँ पर कई पर्टिकुलर टर्म्स को डिफाइन किया गया है. सो फर्स्ट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी. मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास. ये तीन वर्ड्स आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट फिर आपका डेफिनेशन आता है रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट. ये भी आपको याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है, दैट इज़ अटेस्टेड. अटेस्टेड का क्या मतलब है? सो देखिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अटेस्टेशन का मतलब होता है जहाँ कहीं दो या दो से ज़्यादा विटनेसेस उन्होंने देखा हो किसी एग्जीक्यूटेंट को किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन करते हुए, या कोई और ऐसा पर्सन जिसे कि ऑथराइज किया गया है बाय द एग्जीक्यूटेंट टू साइन ऑन हिज बिहाफ. देन एंड ऑल्सो ये भी होना चाहिए कि वो विटनेसेस खुद उस पर्सन को साइन करते हुए देखें, या फिर उन्हें नॉलेज हो उस पर्टिकुलर पर्सन के साइंस के रिगार्डिंग. देन दिस इज़ कॉल्ड एज अटेस्टेशन. नेक्स्ट, रजिस्टर्ड का क्या मतलब है? ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट इज़ अटैच्ड टू अर्थ. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन. अटैच टू अर्थ में आपको तीन टर्म्स देखने को मिलेंगी, दैट इज़ रूटेड इन टू द अर्थ लाइक एज ट्रीज एंड श्रब्स, और एम्बेडेड इन टू द अर्थ लाइक एज वॉल्स और बिल्डिंग्स, एंड थर्ड इज अटैच्ड टू अर्थ फॉर परमानेंट बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट, किसी भी ऐसी चीज़ को जिसे परमानेंट एन्जॉयमेंट के लिए लगाया गया है. नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है एक्शनेबल क्लेम. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं हैं. सो एक्शनेबल क्लेम का मतलब है कि कोई भी ऐसा क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट, कोई भी ऐसा डेट जो कि सिक्योर्ड नहीं है. सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि एक्शनेबल क्लेम अराइज होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अनसिक्योर्ड डेट, कोई ऐसा डेट जो कि सिक्योर्ड नहीं है, केवल वहीं पर एक्शनेबल क्लेम अराइज होता है. ऑल्सो आपको ये याद रखना है कि एक्शनेबल क्लेम अराइज होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सम डेफिनेट सम ऑफ मनी, मीन्स जहाँ कहीं भी जो आपका अमाउंट है वो सर्टेन है, देन एक्शनेबल क्लेम अराइजेज. एंड ऑल्सो याद रखें कि जो डेट है या बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उसके रिस्पेक्ट में ये बात कही गई है दैट इट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट इन द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन और द क्लेमेंट. नेक्स्ट आपको याद रखना है रिगार्डिंग नोटिस. नोटिस का क्या मतलब है? सो देखिए, नोटिस भी कई तरह का होता है, दैट इज़ एन एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग एक्चुअल नोटिस एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस. सो यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उसको आपको ध्यान रखना है रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, अटैच टू द अर्थ, अटेस्टेशन, एक्शनेबल क्लेम एंड नोटिस. ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आप याद रखें.
नेक्स्ट आपको सेक्शन 4 में देखिए किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इनेक्टमेंट्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट टू बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो ये जो टर्म है पार्ट, ये आपको याद रखना है. एंड सप्लीमेंटल टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट, सप्लीमेंटल ये आपको याद रखना है. सो काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है इस तरह से कुछ कि जो चैप्टर्स एंड सेक्शंस हैं कॉन्ट्रैक्ट के, दीज आर कंसिडर्ड एज डैश ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो यू हैव टू फिल द ब्लैंक. तो आपको याद रखना है कि दीज आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के रिस्पेक्ट में दीज आर कंसिडर्ड एज सप्लीमेंटल. ओके, यहाँ से ये दो टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम होता है. नेक्स्ट, नाउ वी कम टू चैप्टर 2 रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज. बहुत इम्पॉर्टेंट ये आपको बात याद रखनी है कि TPA हमेशा अप्लाई होता है ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओनली बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज. इसका क्या मतलब है एक्ट ऑफ पार्टीज़ की? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जहाँ कहीं भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है कोई भी प्रॉपर्टी, मीन्स TPA जो है वो विल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता. जहाँ कहीं किसी पर्सन ने अपनी कोई विल बनाई है, वसीयत की है, तो उसके ऊपर TPA अप्लाई नहीं होता. सो यहाँ से आपसे क्वेश्चन फ्रेम होता है रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. जनरल देखिए, कई बार क्वेश्चन आपसे जनरल पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस. कि सपोज आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो याद रखें कि सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है. उसके अलावा कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कि सपोज सेक्शन 5 से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्शन 5 में जो लिविंग पर्सन को डिफाइन किया गया है, तो उस लिविंग पर्सन का क्या मतलब है. तो याद रखें कि द टर्म लिविंग पर्सन हियर मीन्स अ कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर वो इनकॉर्पोरेटेड हैं या फिर नहीं है. और एक और बात यहाँ से सेक्शन 5 से आपको याद रखनी है कि अ पर्सन कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ. कि क्या कोई पर्सन खुद को भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है? तो येस, अ पर्सन कैन ऑल्सो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ इन केस अगर वो पर्सन एक पर्टिकुलर कैपेसिटी में किसी प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए है और वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है टू हिमसेल्फ इन सम अदर कैपेसिटी. तो इस तरह से अपने ही फेवर में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है. नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 6. यहाँ पर लिखा हुआ है वट मे बी ट्रांसफर्ड, लेकिन इस सेक्शन के आप हेडिंग पर ना जाएं इस बात पर याद रखें कि सेक्शन 6 जो है वो कुछ ऐसे पॉइंट्स देता है दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट. मीन्स जो कहीं भी जो कोई भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. क्या क्या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता? स्पेसिफिक सक्सेशन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. सेकेंड, मेयर राइट ऑफ री एंट्री को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफ़र्ड, जो ईजमेंट्री राइट है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज. मीन्स यदि आप डोमिनेंट हेरिटेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब तो उसके साथ ईजमेंट भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन केवल और केवल अगर आप ईजमेंट को ही ट्रांसफ़र करना चाहें तो ऐसा आप नहीं कर सकते. फोर्थ इज़ कोई ऐसा इंटरेस्ट जो कि रेस्ट्रिक्टेड है. नेक्स्ट इज अ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस. यहाँ से देखिए कई बार क्वेश्चन बनता है कि जो फ्यूचर मेंटेनेंस वाला जो ये पॉइंट है ये किस पर्टिकुलर ईयर में इंसर्ट हुआ, किस अमेंडमेंट से ये इंसर्ट हुआ. तो देखिए याद रखें यहाँ पर लिखा है कि 1929 में एक अमेंडमेंट के द्वारा इसको इंसर्ट किया गया. तो याद रखें ईयर 1929. नेक्स्ट आपको बताया गया है कि मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड.
पब्लिक ऑफिस को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, मिलिट्री नेवल ऑफिसर्स के जो स्टाइपेंड्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किया गया है या अनलॉफुल कंसिडरेशन है तो उसे भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ओके, एंड ऑल्सो अगर कोई भी पर्सन डिसक्वालिफाइड है देन ऑल्सो कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर टीनेंट्स और लेजी। फार्मर टीनेंट्स या लेजी वगैरह के जो भी राइट्स होते हैं उनको भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो आपको याद रखना है कि सेक्शन 6 कुछ ऐसे पॉइंट्स देता है जिन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 7, द पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र। कौन कौन ऐसे पर्सन होते हैं जो कि ट्रांसफ़र करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, याद रखना है द प्रोविजन्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ध्यान से पढ़ा है तो वहाँ पर आप कॉम्पिटेंसी के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होते हैं। सेम वही कॉम्पिटेंसी यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि हर वो पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल है वो किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की हो या फिर वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए एंटाइटल्ड हो या उसको ऑथराइज किया गया हो। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 8, दैट इज़ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र। सो सेक्शन 8 बेसिकली बताता है रिगार्डिंग द इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र कि जब कभी आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है या क्या उसका ऑपरेशन होता है, मीन्स किसी एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के साथ उसके साथ साथ क्या क्या ट्रांसफ़र होता है। सो देखिए, यदि आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं विच इज़ अ लैंड, किसी लैंड को आपने ट्रांसफ़र किया तो जो भी उस लैंड से रिलेटेड ईजमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई रेंट का अधिकार है या कोई भी प्रॉफिट्स रिसीव करने का अधिकार है, तो वो सभी कुछ ट्रांसफ़र होता है। एंड ऑल्सो जो भी चीज़ें अटैच्ड हैं टू द अर्थ वो भी सब ट्रांसफ़र होती हैं। नेक्स्ट, यदि किसी मशीनरी को ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो भी उस मशीनरी के मूवेबल पार्ट्स हैं वो सब भी ट्रांसफ़र होंगे। यदि किसी घर को ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो भी उस घर में लॉक, कीज़, बार्स, डोर्स, विंडोज़ लगाई गई हैं उन सबको भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने घर की विंडो निकाल करके ले जाएं और कहें कि मैं विंडो अपनी नहीं दूंगा या डोर आपको नहीं दूंगा, दिस इज़ रॉन्ग। जब कभी कोई हाउस ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके साथ ये जो सब चीज़ें हैं इन्हें भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेक्स्ट इज़, अगर कोई डेट या एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो भी उससे रिलेटेड सिक्योरिटीज़ हैं वो भी ट्रांसफ़र होती हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी और एनी प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम, जो भी उससे रिलेटेड इंटरेस्ट या इनकम अराइज हो रही है वो भी ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 9, ओरल ट्रांसफ़र। यहाँ से केवल इतना ही क्वेश्चन बनता है कि ओरल ट्रांसफ़र के बारे में क्या बात कहाँ पर किस सेक्शन में डिस्क्राइब किया गया है, तो याद रखेंगे सेक्शन 9। सेक्शन 10, रिगार्डिंग कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलाइनेशन। सो यदि किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते समय कोई इस तरह की कंडीशन लगाई गई है जहां पर एलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी को रेस्ट्रेन किया गया है, एलाइनेशन मींस कि कोई एक पर्सन उस प्रॉपर्टी को किसी अन्य पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, मीन्स जहाँ पर प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को लेकर के यदि किसी तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, देन ऐसे सिचुएशन में जो भी ये रेस्ट्रिक्शंस हैं या जो कोई कंडीशन है वो क्या होती है, वो कंडीशन वॉइड हो जाती है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है कि सपोज़ ए अपनी कोई प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करता है और बी के ऊपर ये कंडीशन लगाता है कि बी इस प्रॉपर्टी को किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो ऐसे सिचुएशन में ए ने जो ये कंडीशन लगाई है दिस कंडीशन इज़ वॉइड। हाउएवर जो ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है दिस ट्रांसफ़र विल रिमेन वैलिड। ओके, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि केवल और केवल जो कंडीशन लगाई गई है केवल वही वॉइड होती है, ट्रांसफ़र वैलिड रहेगा। कुछ ऐसा ही प्रोविजन सेक्शन 11 करता है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट क्रिएटेड कि जहाँ कहीं एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, कोई ट्रांसफ़र करता है, किस तरह से एब्सोल्यूटली जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और
उस पर्सन ने ट्रांसफ़र के साथ साथ यदि कोई रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करी हैं रिगार्डिंग द एन्जॉयमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी। देखिए डिफरेंस याद रखेंगे कि सेक्शन 10 रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था ऑन द एलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी कि आप किसी अन्य पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जबकि सेक्शन 11 रेस्ट्रिक्शन लगाता है रिगार्डिंग द एन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कि उस प्रॉपर्टी को आप किस तरह से एन्जॉय करेंगे। कि सपोज़ ए बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और ये कहता है कि तुम केवल और केवल इस घर में रह सकते हो, इस घर में अपना कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, कोई शॉप नहीं खोल सकते, केवल तुम इसे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करोगे। सो ये प्रॉपर्टी के यूज़ करने को लेकर के, प्रॉपर्टी के एन्जॉयमेंट को लेकर के जो कंडीशन लगाई गई है, सेक्शन 11 कहता है कि ये कंडीशन क्या होगी, वॉइड होगी। ओके, नाउ वी कम टू सेक्शन 12। यहाँ से इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको इसका हेडिंग याद रखना है। देन सेक्शन 13, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन, बात करता है रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। देखिए एक बात याद रखेंगे कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी अनबॉर्न पर्सन के लिए ट्रांसफ़र की जाती है तो दैट ट्रांसफ़र इज़ वॉइड। पहले बात ध्यान रखें कि मैंने कहा कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्टली किसी अनबॉर्न पर्सन को दी जाती है तो ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन सेक्शन 13 क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे में क्या करना होगा, कोई प्रायर इंटरेस्ट पहले क्रिएट करना होगा और उस प्रायर इंटरेस्ट के बाद वो प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को चली जाएगी जैसे ही उस अनबॉर्न पर्सन का बर्थ होगा। ओके, तो सेक्शन 13 एक तरह से बात करता है रिगार्डिंग अनबॉर्न पर्सन्स कि अनबॉर्न पर्सन को किस तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है। यहाँ से ये इलस्ट्रेशन ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। देन वी कम टू सेक्शन 14, दैट इज़ रूल अगेंस्ट परपिचुटी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपसे एक मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ द रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटी। इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटी कहाँ दिया गया है या रूल ऑफ परपिचुटी हम किस सेक्शन में पढ़ते हैं, तो सेक्शन 14 आप ध्यान रखेंगे। देन वी कम टू सेक्शन 15, 16, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 17 से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन किस सेक्शन में हम पढ़ते हैं, सो दैट इज सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 क्या कहता है रिगार्डिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी कि प्रॉपर्टी को केवल एक्यूमुलेट नहीं किया जा सकता, ऐसा ना हो कि जो प्रॉपर्टी है वो एक ही पर्सन के पास बहुत समय तक एक्यूमुलेट होती रहे। सो उसको लेकर के यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं। देन सेक्शन 18 जो कि एक तरह का एक्सेप्शन है टू द प्रोविजन ऑफ 14, 16 एंड 17। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि सेक्शन 18 इज़ अ टाइप ऑफ एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 14, 16 एंड 17। एंड ऑल्सो सेक्शन 18 क्या कहता है रिगार्डिंग द पब्लिक चैरिटीज़, एक तरह से या पब्लिक बेनिफिट में यदि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है। देन सेक्शन 19 दैट इज़ वेस्टेड इंटरेस्ट। 19 और 21 इनको एक साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 19 बात करता है रिगार्डिंग वेस्टेड इंटरेस्ट एंड सेक्शन 21 में आप पढ़ते हैं अबाउट कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। ओके, सो सेक्शन 19 दैट इज़ वेस्टेड इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि जहाँ कहीं कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है और इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है फॉर्थविद, यानी कि बिना किसी पर्टिकुलर हैपनिंग के ऊपर डिपेंड हुए, यदि एक ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है जो कि एग्जिस्टेंस में आ रहा है तुरंत के तुरंत और किसी कंडीशन के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, देन सच इंटरेस्ट इज़ अ वेस्टेड इंटरेस्ट। ओके, देन वी कम टू सेक्शन 21 रिगार्डिंग कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट कि वेयर कोई भी प्रॉपर्टी इस तरह से ट्रांसफ़र की जाती है जहाँ जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट या फिर नॉन हैपनिंग ऑफ सच अनसर्टेन इवेंट, देन दिस इज़ अ कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। देखिए कुछ तरह से ये इसी तरह का है जिस तरह से हम कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, और सेक्शन 20 भी यहाँ पर बहुत ध्यान से आप याद रखेंगे कि अनबॉर्न पर्सन को
वेस्टेड इंटरेस्ट कब मिलता है। यहाँ से देखिए जो एमसीक्यू बनता है वो आपसे यहाँ तक क्वेश्चन में दिया जाएगा कि व्हेन द अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट, फिर आपसे ऑप्शंस बनाए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि द अनबॉर्न पर्सन विल एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन हिज बर्थ, जैसे ही उसका जन्म होता है इमिडिएटली ऑन हिज बर्थ उसे वेस्टेड इंटरेस्ट उसका क्रिएट हो जाता है। देन सेक्शन 22 से 24 ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कई बार एग्जाम में इलस्ट्रेशन डिट्टो वही इलस्ट्रेशन पूछा जाता है। देन वी कम टू सेक्शन 25 रिगार्डिंग कंडीशनल ट्रांसफ़र। अगर कोई भी ट्रांसफ़र क्रिएट किया गया है डिपेंडेंट अपॉन सर्टेन कंडीशंस, किस तरह की कंडीशन, जो कि इम्पॉसिबल है या फॉरबिडन बाय लॉ है या जो कि डिफीट करती है किसी लीगल प्रोविज़न को या जहां पर कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या इमोरल है। सो इस तरह की सभी कंडीशंस के रिस्पेक्ट में जो ट्रांसफ़र होगा दैट इज़ वॉइड। ओके, यहाँ पर आप इलस्ट्रेशंस बहुत ध्यान से ये चारों पढ़ेंगे। देखिए इन सभी में बताया गया है कि उस ट्रांसफ़र का इफ़ेक्ट क्या होगा। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 26 दैट इज़ फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रीसीडेंट। कंडीशन प्रीसीडेंट, प्रीसीडेंट जो ये टर्म है यहीं से क्लियर हो जाता है, प्रीसीडेंट मीन्स पहले। तो कोई ऐसी कंडीशन जो कि प्रिसीड कर रही है, सो मीन्स जहाँ पर कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है उसमें कोई इस तरह की कंडीशन इम्पोज की गई है जिस कंडीशन के ऊपर ट्रांसफ़र डिपेंडेंट है, देन दिस कंडीशन मस्ट बी सब्सटैंशियली कंप्लाइड विद। तो आपको यहाँ से केवल ये टर्म याद रखनी है कि कंडीशन प्रीसीडेंट मस्ट बी सब्सटैंशियली कंप्लाइड विद। यहाँ से जो आपका फर्स्ट ये इलस्ट्रेशन है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 26 के साथ फिर आप याद रखेंगे 29 दैट इज़ कंडीशन सब्सिक्वेंट, कि कंडीशन सब्सिक्वेंट को किस तरह से कंप्लाई किया जाना चाहिए, इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फुलफिल होना चाहिए। इसका भी जो इलस्ट्रेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन सेक्शन 27 याद रखेंगे, सेक्शन 27 बात करता है रिगार्डिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ एसिलरेशन। कहीं भी देखिए सेक्शन में आपको ये वर्ड यूज़ किया हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एसिलरेशन कहाँ दिया गया है, तो याद रखें सेक्शन 27 डॉक्ट्राइन ऑफ एसिलरेशन के बारे में बात करता है कि जहाँ कहीं कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है और उस ट्रांसफ़र के साथ ही कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है एंड बाय द सेम ट्रांजेक्शन एक अल्टीरियर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, कि यदि जो प्रायर इंटरेस्ट है वो एक पर्टिकुलर मैनर में फेल होता है, देन जो अल्टीरियर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है इट विल कम इनटू इफेक्ट। यहाँ से जो ये इलस्ट्रेशन है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन जहाँ कहीं भी किसी भी सेक्शन में दी गई होती हैं वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, वेदर दिस इज़ योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम और वेदर इट्स योर मेंस एग्ज़ाम, दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए ध्यान रखें। अभी इस बात को गांठ बांध लें कि इलस्ट्रेशन हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होती हैं और कई बार एग्ज़ाम्स में डिट्टो यही इलस्ट्रेशन, सेम यही इलस्ट्रेशन आपसे पूछ ली जाती है, तो क्यों आप अपने मार्क्स बिना बात वेस्ट करें, है ना। तो बहुत ध्यान से इलस्ट्रेशंस को पढ़ते रहें। सो उसके बाद आपका जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है दैट इज सेक्शन 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगेन सेक्शन 35 बात करता है रिगार्डिंग इलेक्शन, सो इलेक्शन व्हेन नेसेसरी। देखिए सेक्शन 35 क्या बात करता है, वेयर अगर कोई भी पर्सन प्रोफेस करता है टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफ़र, कि यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेरा अधिकार ही नहीं है ट्रांसफ़र करने का, मैं उस प्रॉपर्टी को किसी अन्य पर्सन को कहती हूँ कि देखो मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, या उस पर्सन को मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र
करती हूँ एंड बाय दैट सेम ट्रांजैक्शन मैं उस पर्सन को एक तरह से एक चॉइस देती हूँ कि या तो वो इलेक्ट करे टू कंफर्म द ट्रांसफ़र, कि उस ट्रांसफ़र को या तो वो कंफर्म कर दे, या फिर यदि वो उस ट्रांसफ़र को डिसेंट करता है यानी कि वो उस ट्रांसफ़र को नहीं एक्सेप्ट करता, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी बेनिफिट मैं उस पर्सन को दे रही थी उस बेनिफिट को वो पर्सन मुझे वापस वैसे का वैसा ही लौटा दे। ओके, सो इलेक्शन इज़ बेसिकली कि अ पर्सन, यहाँ से देखिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है दैट अ पर्सन कैन नॉट अप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम। एग्जाम में आपसे केवल यही लाइन लिखी जाएगी कि वो पर्सन कैन नॉट अप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम, और पूछा जाएगा कि ये जो लाइन है ये किस पर्टिकुलर सेक्शन से डील करती है। तो याद रखें सेक्शन 35 ये रूल देता है कि आप दोनों ही हाथों में लड्डू एक साथ नहीं रख सकते, या तो आपको ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट करना होगा तो आप उस बेनिफिट को लूज़ कर देंगे, या अगर आप उस बेनिफिट को एक्सेप्ट करते हैं तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, मीन्स आपको एक ही चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। ओके, इसका भी इलस्ट्रेशन ध्यान से पढ़ेंगे। देन यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, कि यदि कोई भी पर्सन जिसको कोई बेनिफिट दिया गया था वो पर्सन उस बेनिफिट को एन्जॉय करता रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज डिसेंट, कि आपने ना तो ये कहा कि आप उस प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है उसको इलेक्ट करते हैं या नहीं करते, आपने अपनी कोई भी डिसेंट नहीं दी और उस प्रॉपर्टी को आप 2 साल या 2 साल से ज़्यादा तक एन्जॉय करते जा रहे हैं, देन ऐसा समझा जाएगा कि आपने अपना इलेक्शन कर लिया है और प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 36 एंड सेक्शन 37। इनको बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, केवल और केवल याद रखेंगे कि सेक्शन 36 डील करता है रिगार्डिंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट्स एंड 37 डील करता है अपॉर्शनमेंट ऑफ बेनिफिट्स। सो 36 को क्या कहा जाता है, अपॉर्शनमेंट बाय टाइम, एंड 37 को कहते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ एस्टेट। इसी तरह से केवल आपसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 38, 39। ये कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, देखिए ये सिर्फ अभी हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं है, लेकिन यदि आप पहली बार टीपे को पढ़ रहे हैं या फिर आप मेंस के लिए टीपे को पढ़ रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सभी सेक्शंस को एक बार गो थ्रू होना है, या अगर अभी आपके पास टाइम है, सपोज़ आपका एग्ज़ाम अभी कोई लाइंड अप नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सभी सेक्शंस को एक बार गो थ्रू हो जाएं, ताकि आपको ऐसा ना हो कि कभी कोई अनइम्पॉर्टेंट सेक्शन पूछा जाए तो आप वहाँ पर ब्लैंक बैठे हैं। ओके, लेकिन जब कभी आपके एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाती है, आपको रिवाइज करना है, तो केवल इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को फोकस करना होता है। ओके, सो सेक्शन 40 दैट इज़ रिगार्डिंग द बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ लैंड। सेक्शन 40 से रिलेटेड एक केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन 40 इज़ रिलेटेड विद द केस ऑफ टिल्क वर्सेस मोगसे। ओके, ये केस यहाँ पर पूछा जाता है आपसे रिगार्डिंग सेक्शन 40। देन सेक्शन 41, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर का क्या मतलब है, ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब होता है जहाँ कहीं कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी का रियल ओनर नहीं है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द रियल ओनर वो पर्सन अपने आप को शो करता है एज एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है किसी पर्सन को। अब जिस भी पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, मीन्स जो ट्रांसफरी है उसने गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा, उसने कंसिडरेशन भी दी, और उसको नहीं पता कि जिस पर्सन से वो प्रॉपर्टी ले रहा है वो एक्चुअल ओनर है ही नहीं, वो तो केवल और केवल एक ऑस्टेंसिबल ओनर है, ये सब यदि ट्रांसफरी को नहीं पता, तो ऐसे सिचुएशन में जो ट्रांसफ़र होगा
इट शैल नॉट बी वॉइडेबल. ध्यान रखेंगे ट्रांसफ़र वॉइडेबल नहीं होगा मेयरली ऑन दिस ग्राउंड कि जो ट्रांसफरर है जो ये ऑस्टेंसिबल ऑनर है ये ऑथराइज्ड नहीं था. केवल इस ग्राउंड पर ट्रांसफ़र वॉइडेबल नहीं हो सकता. ओके नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 43 दैट इज़ ट्रांसफ़र बाय द अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड. 43 से रिलेटेड यही क्वेश्चन बनता है दैट इज ट्रांसफ़र बाय सम अनऑथराइज्ड पर्सन. अनऑथराइज्ड पर्सन के ट्रांसफ़र से रिलेटेड किस पर्टिकुलर सेक्शन में बात की गई है. देखिए क्या लिखा है कि अगर कोई भी पर्सन फ्रॉडुलेंटली या एरोनियसली रिप्रेजेंट करता है अपने आप को कि वो ऑथराइज्ड है टू ट्रांसफ़र दैट प्रॉपर्टी एंड देन अगेन वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है फॉर कंसीडरेशन, देन ऐसे सिचुएशन में ट्रांसफरी क्या कह सकता है कि जो ट्रांसफरर है उसके पास जब कभी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी राइट अराइज होता है तो ट्रांसफरी उस ट्रांसफरर को कंपेल कर सकता है कि तुम इस राइट को अब मुझे ट्रांसफ़र कर दो. सो सेक्शन 43 से रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन बनता है दैट इज़ रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर मैगजिम दैट इज़ सेक्शन 43 बात करता है रिगार्डिंग फीडिंग द ग्रांट बाय ओके फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल. इस लाइन को आप याद रखेंगे सेक्शन 43 इज़ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल. ओके एस्टॉपल का सिद्धांत वही जो आप एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 115. देखिए इसका इलस्ट्रेशन भी दिया गया है. ओके सो सेक्शन 43 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि देखिए सपोज ए ने क्या किया किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया टू बी लेकिन ए ऑथराइज्ड नहीं था टू मेक दिस ट्रांसफ़र. लेकिन बी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता उसको लगता है कि ए ऑथराइज्ड है और बी क्या करता है ए को कंसिडरेशन देता है. सपोज़ 10 लाख रुपए में उसने बी से कोई भी घर खरीदा और वो ख़रीद लेता है लेकिन ए जो है वो ऑथराइज्ड ही नहीं था ए के पास कोई अधिकार नहीं था उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में. तो बी के पास क्या राइट है बी के पास ये राइट है कि जब कभी ए के पास अगर उस प्रॉपर्टी का कोई भी राइट अराइज होता है तो बी ए को कंपेल कर सकता है कि मैंने तो क्योंकि तुम्हें पहले ही कंसिडरेशन दे करके इस पर्टिकुलर घर को ख़रीदा हुआ था तो अब तुम्हारे पास अगर राइट अराइज हुआ है तो अब तुम मुझे इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दो. सो दिस इज़ बेसिकली सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरी. देन सेक्शन 44 में केवल आपको इसका हेडिंग याद रखना है कि ट्रांसफ़र बाय को ओनर इज गिवन इन सेक्शन 44. देन सेक्शन 45-46 कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना खास. देन सेक्शन 48 दैट इज़ प्रायोरिटी ऑफ द राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफ़र. सेक्शन 48 को याद रखेंगे सेक्शन 48 से रिलेटेड भी केवल ये हेडिंग से बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि प्रायोरिटी ऑफ राइट्स इज गिवन इन सेक्शन 48. देन वी कम टू सेक्शन 50 दैट इज़ रेंट विच इज़ बोनाफाइड पेड टू द होल्डर अंडर डिफेक्टिव टाइटल. इसका देखिए जो इलस्ट्रेशन है ये इलस्ट्रेशन कई बार पूछा गया है कि सपोज़ ए क्या करता है बी को एक फील्ड दे देता है एट अ रेंट ऑफ ₹50. तो ऐसे सिचुएशन में देखिए सपोज़ ए ने क्या किया बी को कोई फील्ड रेंट पर दी बी की ये ड्यूटी थी कि वो ए को ₹50 पे करता रहे लेकिन ए क्या करता है अपनी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को उस फील्ड को ट्रांसफ़र कर देता है टू सी लेकिन बी को इस बारे में कुछ नहीं पता बी को लगता है कि अभी भी प्रॉपर्टी ए की ही है और बी गुड फेथ में ए को ये ₹50 जो थे ये पे करता रहता है. अब ऐसे सिचुएशन में बी विल नॉट बी लायबल कि बी दोबारा से सी को भी ये पैसे पे करे ठीक है क्योंकि बी को इस बारे में नोटिस ही नहीं था कि प्रॉपर्टी सी को दे दी गई है इसलिए बी ने ए को जो ये ₹50 का पेमेंट किया दिस इज़ अ प्रॉपर पेमेंट. बी के द्वारा माना जाएगा कि उसने अपनी ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज कर दिया है. नेक्स्ट वी कम टू 51 को केवल आप ऐसे ध्यान रखेंगे रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी.
देन इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपका आता है सेक्शन 53, दैट इज फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र. फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र का क्या मतलब है? देखिए, एवरी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विद एन इंटेंशन टू डिफीट. यदि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है विद एन इंटेंशन टू डिफीट और टू डिले द क्रेडिटर्स ऑफ द ट्रांसफरर, देन इट शैल बी वॉइडेबल. ये टर्म आपको बहुत ध्यान रखनी है. यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि वॉइड है, वॉइडेबल है, नॉट वॉइड है या वैलिड है. ओके, तो याद रखें सेक्शन 53 क्या कहता है कि इस तरह का जो भी फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र होगा दिस इज़ वॉइडेबल एंड वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर हु इज़ सो डिफीटेड और डिलेड. जिस क्रेडिटर को इस तरह से डिफीट किया जा रहा है या जिसके राइट को डिले किया जा रहा है उस क्रेडिटर के द्वारा ही ये पर्टिकुलर ट्रांसफ़र वॉइडेबल होगा. देन आपको ध्यान रखना है कि नथिंग इन दिस सब सेक्शन शैल इम्पेयर द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी इन गुड फेथ. यदि कोई अन्य पर्सन उस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लेता है या किसी भी तरह से प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है, देन द ट्रांसफरी विल नॉट बी अफेक्टेड यदि उस ट्रांसफरी ने गुड फेथ में प्रॉपर्टी को परचेज़ किया है या प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र गुड फेथ में किया गया है. एंड ऑल्सो सबसेक्शन 2 में भी यही चीज़ लिखी हुई है कि एवरी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसिडरेशन विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड अ सबसीक्वेंट ट्रांसफरी शैल ऑल्सो बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सच ट्रांसफरी. तो दोनों ही जगह क्या लिखा है? वॉइडेबल. ओके, एंड देखिए हमने सेक्शन 52 स्किप कर दिया, सॉरी फॉर दैट. सेक्शन 52 भी इम्पॉर्टेंट है जो कि बात करता है रिगार्डिंग लिस पेंडेंस. बस यहाँ से आप यही याद रखेंगे कि सेक्शन 52 बात करता है रिगार्डिंग लिस पेंडेंस मीन्स पेंडेंटे लाइट. यहाँ से एक मैक्सिम आपकी इम्पॉर्टेंट आती है, अट लाइट पेंडेंटे निहिल इनोवेटर. ओके, तो ये मैक्सिम से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट, कि किसी भी सूट की पेंडेंसी के दौरान प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. एक तरह से यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि यदि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया भी जाता है तो देन दैट ट्रांसफ़र इज सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा इन द पर्टिकुलर सूट या प्रोसीडिंग्स जो भी पेंडिंग है तो उस डिसीजन से वो ट्रांसफ़र बाधित होगा. ओके, देन सेक्शन 52 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ भी आपसे पूछा जाता है, दैट इज़ द केस ऑफ बेलमी वर्सेस सेबेन. ओके, इस केस को भी आप ध्यान रखेंगे. एंड देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम केस लॉ से रिलेटेड एक अलग सीरीज़ लेकर के आएँ तो हम वो भी कर सकते हैं, जहाँ पर एक ही वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट केसेस को डिस्कस कर सकते हैं. सो इफ़ अगर आप चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो डू राइट दिस इन द कॉमेंट सेक्शन. वी विल श्योरली ट्राई कि हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर के आएँ. ओके, सो नाउ वी कम टू सेक्शन 53A, दैट इज़ पार्ट परफॉर्मेंस. अगेन इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, 53A बात करता है पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में. यहाँ से आपको याद रखना है केस ऑफ प्रमोद कुमार दास वर्सेस, देखिए प्रमोद कुमार दास वर्सेस दंत मारा टी कंपनी. ओके, इस केस को आप ध्यान रखें जिसमें कि ये कहा गया था रिगार्डिंग द पार्ट परफॉर्मेंस, कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है इट कैन बी यूज्ड
एज अ शील्ड, केवल और केवल इसे एक शील्ड की तरह, एक बचाव की तरह यूज़ किया जा सकता है, एंड इट कैन नॉट बी यूज एज अ स्वॉर्ड. सो इस केस लॉ को बहुत ध्यान रखेंगे. एंड डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस बेसिकली यही कहता है कि यदि कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी दूसरे पर्सन से किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो भी कैसा होना चाहिए, इन राइटिंग. याद रखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए. एंड देन उसके बाद जो ट्रांसफरी है उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में कुछ फर्दरेंस में किया हो, मींस उसने प्रॉपर्टी का पजेशन या तो ले लिया, या फिर यदि वो पहले से ही प्रॉपर्टी के पजेशन में था तो वो कंटिन्यू रहता है उस पजेशन में, या फिर इन फर्दरेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट वो कोई भी एक्टिविटी करता है जिससे कि ये शो होता है कि जो ट्रांसफरी है वो रेडी और विलिंग है अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए. सो देन ऐसे सिचुएशन में ट्रांसफरर उस ट्रांसफ़र को एक तरह से अवॉइड नहीं कर सकता. ओके, सो यहाँ तक हमने चैप्टर 2 को डिस्कस किया. आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा. अगर हेल्पफुल लगता है, देखिए 1% भी अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो को देख करके आपका कुछ ना बेनिफिट हो रहा है, देन डू हिट द लाइक बटन. ओके, नेक्स्ट वी कम टू चैप्टर 3, दैट इज़ द सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. चैप्टर 3 जहाँ पर हम 4 सेक्शंस पढ़ते हैं, सेक्शन 54 to 57. सेक्शन 54 जहाँ पर सेल को डिफाइन किया गया है कि सेल का मतलब क्या है, जहाँ कहीं किसी भी प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस, किसी प्राइस के बदले, विच इज़ पेड और प्रोमिस्ड, या पार्ट पेड और पार्ट प्रोमिस्ड भी हो सकता है. कि सपोज़ मैंने 10 रुपये का कोई सामान ख़रीदा और मैंने कहा कि 5 रुपये अभी ले लो, 5 मैं बाद में दे दूँगी. सो दैट इज़ पार्ट पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड. इस तरह से भी सेल की जा सकती है. देन यहाँ से जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बार बार एग्जाम में बनता है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, कि यदि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से ज़्यादा है, मीन्स या तो 100 रुपीज़ या उससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू की प्रॉपर्टी है, तो ऐसे सिचुएशन में सेल हमेशा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही की जाएगी. वेयर एज इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़, यदि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से कम है तो या तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो सकता है ट्रांसफ़र, या फिर बाय द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र हो सकता है. ओके, देन यहाँ पर याद रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल. देखिए देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल. सेल जहाँ पर पूरी तरह से कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो गया है, वेयर एज इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल केवल एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जिसके बेसिस पर जो सेल है उसको फर्दर एकम्प्लिश किया जाएगा. एंड याद रखेंगे कि मेयरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट या प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता. देन वी कम टू सेक्शन 55 जहाँ पर बायर और सेलर के राइट्स और लायबिलिटीज़ को बताया गया है. यहाँ से बहुत डिटेल में क्वेश्चन प्रिलिम्स में नहीं बनता, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पर बायर के कुछ अधिकार और कुछ ड्यूटीज़ बताई गई हैं, सेलर के कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ को बताया गया है, तो उसको ध्यान से आप पढ़ लेंगे. देन वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शलिंग. देखिए मार्शलिंग आप पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 56 एंड ऑल्सो इन सेक्शन 81. सो आप देखिए जब भी किसी सिमिलर प्रोविज़न को पाएँ तो आप बेयर एक्ट में ही यहाँ पर साइड में मेंशन कर सकते हैं कि सेक्शन 56 इज़ टू बी रेड विद सेक्शन 81. दोनों को आप साथ में पढ़ सकते हैं. तो सेक्शन 56 बात करता है रिगार्डिंग मार्शलिंग बाय सबसिक्वेंट परचेजर. देखिए मार्शलिंग का क्या मतलब है, इफ़ द ओनर ऑफ 2 or more प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज कर देता है उन्हें किसी एक पर्सन के पास एंड देन सेल 1 or more प्रॉपर्टीज़ टू अनादर पर्सन, और बाद में वो उस प्रॉपर्टी या किसी अन्य प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को बेच देता है, ऐसे सिचुएशन में जो बायर है
वो एंटाइटल्ड है कि वो क्या कहेगा कि जो भी मॉर्गेज डेट है आपका, आप उस डेट को सेटिस्फाई कर लो आउट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट सोल्ड टू हिम, यानी वो प्रॉपर्टी जो कि मुझे नहीं बेची गई उस प्रॉपर्टी से आप अपना मॉर्गेज डेट सेटिस्फाई कर लो। आई होप आपको समझ नहीं आ रहा होगा आई थिंक, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ़ द ओनर ऑफ टू और मोर प्रॉपर्टीज, कि सपोज ये कोई पर्सन है ए, इसके पास 1 और 2 ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या करता है मॉर्गेज कर देता है देम टू 1 पर्सन। इसने क्या किया, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को 1 और 2 दोनों प्रॉपर्टीज़ को बी के पास मॉर्गेज कर दिया। देन इसके बाद क्या होता है, ही सेल 1 और मोर प्रॉपर्टीज टू अनदर पर्सन। अब इन 1 और 2 जो ये प्रॉपर्टीज थी, इसमें से सपोज 1 वाली जो प्रॉपर्टी है इसको क्या किया, ए ने सी को सेल कर दिया। ओके, देन द बायर इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड। अब देखिए बी के पास, बी मॉर्गेजी है तो यानी बी के पास अधिकार है अपनी मॉर्गेज डेट को वो सेटिस्फाई कर सकता है आउट ऑफ द प्रॉपर्टी 1 और द प्रॉपर्टी 2 जो कि क्योंकि दोनों ही उसके पास मॉर्गेज की गई थी। लेकिन यहाँ पर सी को एक मार्शलिंग का अधिकार मिल जाता है कि जब कभी यदि ऐसा हो कि ए डिफ़ॉल्ट कर देता है अपने पेमेंट में और बी जो मॉर्गेजी है वो अपनी जो डेट है उसको सेटिस्फाई करना चाहता है, तो सी क्या करेगा, सी बी को कंपेल कर सकता है कि आप जो ये मॉर्गेज डेट है प्लीज़ आप ऐसा करो कि जो ये मॉर्गेज डेट है आप इसको सेटिस्फाई कर लो आउट ऑफ द प्रॉपर्टी 2 विच इज़ नॉट सोल्ड टू मी, क्योंकि 1 जो प्रॉपर्टी है वो सी को बेची गई है और सी ने उसके लिए कंसिडरेशन भी पे करी है, तो सी अपनी उस प्रॉपर्टी 1 में से क्यों ए का मॉर्गेज डेट सेटिस्फाई करवाए, है ना। तो इसीलिए सी क्या कहेगा, बी को कहेगा कि जो भी तुम्हारा मॉर्गेज डेट है प्लीज़ तुम उसे पहले क्या करो, प्रॉपर्टी 2 से सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। यदि प्रॉपर्टी 2 सफिशिएंट है, उससे तुम्हारा मॉर्गेज डेट सेटिस्फाई हो जाता है, तो तुम उसके बाद फिर मेरी प्रॉपर्टी को मुझे मिल जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी क्योंकि मुझे सेल की गई है। ओके, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शलिंग। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 57, दैट इज़ रिगार्डिंग इनकम्बरेंसेज, दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। वी कम नाउ टू सेक्शन 58 एंड चैप्टर 4, दैट इज़ मॉर्गेज, मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस। सो सेक्शन 58 में कई बार पूछा जाता है कि सेक्शन 58 किस किस टर्म को डिफाइन करता है, तो याद रखेंगे कि सेक्शन 58 में मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज डीड, इस सभी को डिफाइन किया गया है। मॉर्गेज का देखिए क्या मतलब होता है, मॉर्गेज का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान रखें कि जब हमने सेल पढ़ा तो सेल में ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप किया जा रहा है, वेयर एज मॉर्गेज में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट किया जाता है इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ एनी मनी। सो मॉर्गेज बेसिकली एक तरह से किसी चीज़ को गिरवी रखना, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी जब रखा जाता है देन दैट इज़ अ मॉर्गेज। जो ट्रांसफरर है इस कॉल्ड एज मॉर्गेजर, ट्रांसफरी को मॉर्गेजी कहा जाता है। जिस प्रिंसिपल मनी को सिक्योर किया जा रहा है दैट इज़ द मॉर्गेज मनी, एंड जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जा रहा है, मीन्स अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है देन सच इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड एज द मॉर्गेज डीड। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ मॉर्गेज और द काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, कि कितने तरीके की मॉर्गेज डिफाइन की गई हैं अंडर सेक्शन 58। तो ध्यान रखेंगे सेक्शन 58 6 तरीके की मॉर्गेजेस के बारे में बात करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखेंगे कि जो ये डेफिनेशंस हैं मॉर्गेजेस की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेज जो हैं, ये 58B से स्टार्टेड हैं। ओके, 58A में क्योंकि हमने मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज डीड इन सब की डेफिनेशन को देखा, तो जो टाइप्स हैं वो सेक्शन 58B से शुरू हुए हैं।
तो 58B क्या कहता है, सिंपल मॉर्गेज. 58C दैट इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. डी इज यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज. ई इज योर इंग्लिश मॉर्गेज. एंड देन मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, जहाँ पर डिपॉजिट की जा रही है. एंड जी इज एनोमलस मॉर्गेज. तो टोटल यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ मॉर्गेज बताई गई हैं. देन सेक्शन 59 बताता है कि मॉर्गेज किस तरह से किया जाएगा. जिस तरह से हमने सेल के बारे में देखा कि क्या सेल रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही हो सकता है, या प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करके, प्रॉपर्टी की डिलीवरी करके भी क्या सेल किया जा सकता है, इसी तरह से मॉर्गेज के बारे में हम देखेंगे कि अगर जो प्रिंसिपल मनी सिक्योर की जा रही है वो 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा है, तो जो मॉर्गेज है वो हमेशा कैसे होगा, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होगा. एंड ऑल्सो साइंड बाय द मॉर्गेजर होना चाहिए. एंड दो विटनेसेस का अटेस्टेशन भी ज़रूरी है. तो यहाँ पर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ इट शुड बी साइंड बाय मॉर्गेजर एंड देयर शुड बी टू विटनेसेस जो कि उसे अटेस्ट कर रहे हों. एंड एक बात यहाँ पर याद रखेंगे, दैट इज़ द एक्सेप्शन, कि इन केस ऑफ मॉर्गेज बाय द डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, वहाँ पर ऐसा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना ज़रूरी नहीं है. देन यदि जो प्रिंसिपल मनी है वो 100 रुपये से कम की है, तो ऐसी सिचुएशन में रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरी ही नहीं है कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही उसे ट्रांसफ़र किया जाए. ईदर बाय द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट किया जा सकता है, या बाय द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज क्रिएट किया जा सकता है. नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 60. इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहाँ पर की बात की गई है रिगार्डिंग द राइट ऑफ रिडम्पशन. तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि रिडम्पशन का जो अधिकार है ये किस पर्टिकुलर सेक्शन में दिया गया है. सो सेक्शन 60 क्या कहता है कि जो मॉर्गेजर है, मीन्स जिसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, जिसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, उसके पास ये अधिकार है कि वो मॉर्गेज मनी को पे करने के बाद अपनी उस प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है. रिडीम मीन्स अपनी प्रॉपर्टी को एक तरह से छुड़वा सकता है, वापस अपने पास ला सकता है. सो दिस राइट ऑफ रिडम्पशन इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 60. एंड ऑल्सो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि देयर कैन बी नो क्लॉग ऑन रिडम्पशन. कि रिडम्पशन का जो ये अधिकार है इसके ऊपर कभी भी कोई क्लॉग, कोई लिमिट इम्पोज नहीं की जा सकती. अगर कोई इस तरह से लिमिट इम्पोज की जाती है देन इट विल बी वॉइड. नेक्स्ट वी कम टू 61. That is right to redeem either separately or simultaneously. Section 61 से question बनता है कि section 61 gives the doctrine of consolidation. Section 61 क्या करता है, आपको doctrine of consolidation देता है. डॉक्ट्राइन ऑफ कंसोलिडेशन का क्या मतलब है कि जो मॉर्गेजर है यदि उसने दो या दो से ज़्यादा मॉर्गेजेस की हैं इन द फेवर ऑफ सेम मॉर्गेजी, एक ही मॉर्गेजी के फेवर में, देन उसके पास ये अधिकार है कि जब कभी उसकी जो प्रिंसिपल मनी है वो ड्यू हो जाए तो उसके पास ये अधिकार है कि वो अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है, इधर सेपरेटली और साइमल्टेनियसली. देखिए, जो अभी हमने मार्शलिंग के दौरान एग्जाम्पल लिया था कि ए के पास 1 or 2 दो प्रॉपर्टीज़ थी और ए ने उन प्रॉपर्टीज़ को बी के पास मॉर्गेज किया था, तो जैसे ही जो मॉर्गेज मनी है वो ड्यू हो गई तो ए के पास ये अधिकार है कि वो मॉर्गेज मनी पे करने के बाद या तो अपनी प्रॉपर्टी 1 को या प्रॉपर्टी 2 को, दोनों में से किसी भी प्रॉपर्टी को सेपरेटली या तो रिडीम करा सकता है, या अगर उसके पास पूरा जो अमाउंट है वो आ गया है तो वो 1 or 2 जो प्रॉपर्टीज थी दोनों प्रॉपर्टीज़ को साइमल्टेनियसली, मीन्स एक साथ भी रिडीम करा सकता है. ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 63. कई बार पूछ लिया जाता है ओनली रिगार्डिंग द हेडिंग कि एक्सेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी कहाँ दिया गया है. नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 65. भी इसी तरह से केवल हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स बाय मॉर्गेजर. नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन
7 आपका अगेन इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है रिगार्डिंग द राइट ऑफ फॉरक्लोजर और सेल. देखिए जिस तरह से हमने देखा मॉर्गेजर के पास कुछ अधिकार होते हैं, दैट इज़ द राइट ऑफ रिडम्पशन जो कि मॉर्गेजर का अधिकार था. अब यहाँ पर हम सेक्शन 67 में बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द राइट ऑफ मॉर्गेजी, मींस जिस पर्सन को प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है उसके पास क्या अधिकार है. तो सेक्शन 67 उसे अधिकार देता है ऑफ फॉरक्लोजर और सेल की, या तो प्रॉपर्टी को फॉरक्लोज किया जा सकता है या उस प्रॉपर्टी की सेल की जा सकती है. यहाँ से जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रिगार्डिंग दिस राइट ऑफ फॉरक्लोजर कि जो प्रॉपर्टी का फॉरक्लोज करने का अधिकार है ये किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉर्गेज में अवेलेबल होता है. तो याद रखेंगे कि द राइट ऑफ फॉरक्लोजर इज अवेलेबल इन केस ऑफ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. देखिए जब आप सेक्शन में नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज एनी मॉर्गेजी अदर देन दैट ऑफ मॉर्गेजी बाय कंडीशनल सेल. मीन्स जहाँ कहीं मॉर्गेज की गई है बाय कंडीशनल सेल केवल वहीं पर राइट ऑफ फॉरक्लोजर अराइज होता है. नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन, देखिए ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं पढ़ने के लिए अगर आपके पास आपको लगता है कि टाइम है कोई जल्दबाजी नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं, बट फॉर अ क्विक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू केवल वही सेक्शन पढ़ें जो कि एग्ज़ाम में आते हैं. तो सेक्शन 69A आप पढ़ सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में बात की गई है, बस केवल इतना ध्यान रखेंगे. एंड यहाँ पर जो रिसीवर से रिलेटेड प्रोविजन होगा वो सब उसी तरह का है जिस तरह से सीपीसी में आप पढ़ते हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर. नेक्स्ट 72 पूछा जाता है रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ मॉर्गेजी इन पजेशन की, यदि कोई मॉर्गेजी जो है उसके पास प्रॉपर्टी का पजेशन भी है तो मॉर्गेजी के पास क्या क्या राइट्स होंगे. तो देखिए अगर किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डिस्ट्रक्शन हो गया था तो उसके रिस्पेक्ट में अगर मॉर्गेजी ने कोई काम किया है कोई एक्सपेंडिचर किया है तो ये सब वो अपना अमाउंट रिसीव कर सकता है. ओके नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 73, ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, 76 भी नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये सेक्शन 81 डीलिंग विद मार्शलिंग. देखिए सेक्शन 56 के साथ ही मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 56 और 81 दोनों को आप साथ पढ़ेंगे. सेक्शन 56 बात करता है मार्शलिंग बाय सबसीक्वेंट परचेजर एंड 81 बात करता है मार्शलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉर्गेज. देखिए इन दोनों ही जो सिद्धांत हैं इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है, केवल एक ही डिफरेंस अराइज हो जाता है कि हमने जब सेक्शन 56 पढ़ा तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी उसको सब्सिक्वेंटली सेल किया गया था, लेकिन सेक्शन 81 बात करता है जहाँ पर उस प्रॉपर्टी को सब्सिक्वेंटली मॉर्गेज किया जा रहा है. देखिए कैसे कि सपोज ए जो कि ओनर है ऑफ टू प्रॉपर्टीज़, ओके 1 और 2 ए के पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या करता है इन प्रॉपर्टीज़ को मॉर्गेज कर देता है विद बी, बी के पास उसने प्रॉपर्टीज़ को मॉर्गेज कर दिया. अब लेकिन कुछ समय बाद ए क्या करता है इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में से किसी एक प्रॉपर्टी को, मीन्स सपोज प्रॉपर्टी 1 को ए ने क्या किया सी के पास मॉर्गेज कर दिया. केवल यही मेन डिफरेंस है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर में हमने यानी सेक्शन 56 में पढ़ा था कि ए ने सब्सिक्वेंटली सी को यह प्रॉपर्टी सेल की थी, लेकिन 81 में क्या पढ़ेंगे कि ए ने क्या किया पहले इस प्रॉपर्टी को पहले दोनों प्रॉपर्टीज़ को मॉर्गेज किया ए बी के पास और बाद में इन दोनों में से जो प्रॉपर्टी 1 थी उसको मॉर्गेज कर दिया सी के पास. देन जो सबसीक्वेंट मॉर्गेजी है मींस सी, सी कंपेल कर सकता है बी को कि प्लीज़ आप क्या करो जो ये प्रॉपर्टी
टू है जो कि मुझे मॉर्गेज नहीं की गई, उस प्रॉपर्टी से अपना जो भी मॉर्गेज मनी है उसको रिसीव करने की कोशिश करो। यदि प्रॉपर्टी टू एक्सटिंग्विश हो जाती है और तब भी आपका कोई बकाया पैसा रह जाता है, देन आप प्रॉपर्टी वन को यूज़ कर सकते हैं, उससे अपना जो भी मॉर्गेज मनी है उसको रिकवर कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है उसके राइट को एक तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 82, दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको याद रखना है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि इन केस अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है बिटवीन द प्रोविजन ऑफ मार्शलिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, तो याद रखेंगे कि हमेशा जो मार्शलिंग का सिद्धांत है वही प्रिवेल करता है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 80, देखिए यहाँ पर ये सब 86 to 90 ओमिटेड है सब। 91, दैट इज पर्सन्स हु मे स्यू फॉर रिडम्पशन, कि किन किन पर्सन्स के पास रिडम्पशन का अधिकार होता है। सो जो राइट ऑफ रिडम्पशन है दैट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन अदर देन दैट ऑफ द मॉर्गेजी। मॉर्गेजी के अलावा किस किस पर्सन के पास राइट ऑफ रिडम्पशन है, राइट ऑफ रिडम्पशन जो कि हमने पढ़ा अंडर सेक्शन 60, तो वो रिडम्पशन का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, श्योरिटी के पास भी होता है एंड ऑल्सो द क्रेडिटर ऑफ मॉर्गेजर, मॉर्गेजर का जो क्रेडिटर है उसके पास भी राइट ऑफ रिडम्पशन अवेलेबल होता है। देन 92 डील्स विद सबरोगेशन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 93, प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग। 94 इम्पॉर्टेंट है, राइट्स ऑफ मिसर मॉर्गेजी। यहाँ से देखिए कई बार क्वेश्चन बनता है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टर्म, दैट इज रिडम्पशन अप एंड फॉरक्लोजर डाउन। ये जो सिद्धांत है ये हम किस सेक्शन में पढ़ते हैं, तो सेक्शन 94 को याद रखेंगे, 91 को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 100, दैट इज चार्ज। चार्ज का क्या मतलब है, देखिए चार्ज का मतलब क्या है, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन, किसी भी व्यक्ति की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है यदि वो प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज या फिर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, याद रखेंगे कि चार्ज जो है वो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ भी क्रिएट हो सकता है। तो यदि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इधर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ इज मेड एज अ सिक्योरिटी, उसे यदि प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी बना दिया जाता है देन उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक तरह से चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये यहाँ से जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है रिगार्डिंग सेक्शन 103, सेक्शन 103 एंड 104 को याद रखेंगे, दैट इज़ पावर टू मेक रूल्स, कि सेक्शन 104 में जो रूल मेकिंग पावर है वो किसके पास होती है, हाई कोर्ट के पास रूल मेकिंग पावर यहाँ पर दी गई है, केवल आपको हाई कोर्ट याद रखना है। नेक्स्ट वी कम टू चैप्टर 5, दैट इज़ द लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो बहुत क्विकली देखेंगे सेक्शन 105, दैट इज़ लीज। लीज का मतलब क्या है, सो 105 में लीज को केवल डिफाइन किया गया है कि लीज का मतलब क्या है, जहाँ पर राइट ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, केवल प्रॉपर्टी के एन्जॉयमेंट का जो अधिकार है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है इन कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन प्राइस और सर्टेन काइंड ऑफ प्रीमियम। लेसर द ट्रांसफरर इज कॉल्ड एज लेसर, ट्रांसफर इज कॉल्ड एज लेसी, जो भी प्रीमियम है जो प्राइस है दैट इज़ द प्रीमियम। ओके, सो दिस इज लीज। देन 106 से दैट इज ड्यूरेशन ऑफ लीज। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप याद रखेंगे दैट इज रिगार्डिंग द सब्स्टिट्यूशन इन ईयर 2003। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि TPA के अंदर वो कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है जिसके अंदर बाय ईयर 2003 एक अमेंडमेंट किया गया, तो याद रखेंगे सेक्शन 106 जो है ये सब्स्टिट्यूट हुआ है बाय ईयर 2003।
सो यहाँ पर क्या दिया गया है, ड्यूरेशन ऑफ लीज़, कि यदि कोई भी लीज़ की जा रही है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए या ईयर टू ईयर यदि कोई भी लीज़ है तो वो हमेशा सॉरी एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यदि कोई लीज़ की जाती है तो वो लीज़ हमेशा ईयर टू ईयर की जाएगी। एंड ईयर टू ईयर वाली जो लीज़ है उसको यदि आप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो 6 महीने का नोटिस देना होगा। वेयर एज़ कोई लीज़ है यदि फ्रॉम मंथ टू मंथ उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो आपको 15 डेज़ का नोटिस देना होगा। यहाँ पर बताया गया रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ लीज़। देन 107 बताता है कि लीज़ किस तरह से की जाएगी। तो यदि कोई ईयर टू ईयर वाली जो लीज़ है वो हमेशा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही की जाती है, और यदि कोई भी उसके अलावा इस तरह की लीज़ है तो वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी की जा सकती है या बाय द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी भी की जा सकती है। देन 108 बताता है रिगार्डिंग द राइट्स और लाइबिलिटीज़ ऑफ लेजर एंड लेजी। सिमिलरली हमने राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ पढ़ी थी ऑफ सेलर एंड बायर अंडर सेक्शन 55, कोरिलेट करते चलें। नेक्स्ट वी कम टू 109, दैट इज़ द राइट्स ऑफ लेजर्स ट्रांसफरी। नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, एक बार ऐसे ही आप पढ़ लीजिएगा। देन 110 भी इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, 111 इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ लीज़, कि लीज़ को किस तरह से डिटर्मिन किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है एक तरह से। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम, कि यदि लीज़ किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए की गई थी और वह टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो लीज़ ख़त्म हो जाएगी, या किसी इवेंट की हैपनिंग के ऊपर यदि वो डिपेंडेंट थी या नॉन हैपनिंग के ऊपर यदि वो डिपेंडेंट थी, या अगर जो लेजी है और जो लेसर है उनका जो प्रॉपर्टी में अंदर इंटरेस्ट था वो सारा का सारा इंटरेस्ट किसी अन्य पर्सन के अंदर वेस्ट हो जाता है, या बाय एक्सप्रेस सरेंडर या इम्प्लाइड सरेंडर यदि लीज़ को कर दिया जाता है। एंड ऑल्सो फॉर फ्यूचर के द्वारा भी लीज़ को डिटरमिन किया जा सकता है। फॉर फ्यूचर किस तरह से, कि यदि जो लीज़ की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस थी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को लेजी के द्वारा ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, या लेसी क्या करता है, जिस पर्सन से उसने प्रॉपर्टी लीज़ ली उस पर्सन के टाइटल को ही यदि मानने से मना कर देता है, वो नकार देता है उसके टाइटल को, देन ऑल्सो दिस इज़ अ ग्राउंड ऑफ फॉरफीचर। या यदि लेसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ नोटिस टू डिटरमिन द लीज़। यदि कोई नोटिस सर्व किया जाता है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द लीज़ और उस नोटिस का जो टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो जाता है, देन ऑल्सो लीज़ को डिटरमिन समझा जा सकता है। देन 112, 113 इनको याद रखेंगे कि वेवर ऑफ फॉरफीचर एंड वेवर ऑफ द नोटिस टू क्विट, दीज आर कोरिलेटेड विद 111 क्लॉज जी एंड 111 क्लॉज एच। इलस्ट्रेशंस को ध्यान से पढ़ लेंगे। देन 115 भी इम्पॉर्टेंट, 116 फिर आपका इम्पॉर्टेंट आता है, दैट इज़ द होल्डिंग ओवर ऑफ लीज़। देखिए होल्डिंग ओवर का क्या मतलब है, यदि जो लेसी है या लेसी के अंडर कोई और अंडर लेसी है, यदि लीज़ का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाने के बाद भी या लीज़ के डिटरमिन हो जाने के बाद, सेक्शन 111 में हमने पढ़ा ग्राउंड्स ऑफ डिटरमिनेशन, तो यदि किसी भी ग्राउंड की वजह से जो लीज़ है वो डिटरमिन हो जाती है पर डिटरमिनेशन के बावजूद भी जो लेसी है या अंडर लेसी है वो प्रॉपर्टी के पजेशन में बना रहता है और वो लेसर को जो भी लीज़ का अमाउंट है वो भी पे करता रहता है, देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट ये समझा जाएगा मानो लीज़ जो है वो रिन्यू हो गई है बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रेंट, कि लीज़ डिटरमिन हो जाने के बावजूद भी जो लेसर है उसने क्या किया, लेजी से रेंट को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आपने लीज़ को फिर से एक तरह से रिन्यू कर दिया फ्रॉम ईयर टू ईयर और फ्रॉम मंथ टू मंथ, जिस तरह से भी वो लीज़ होनी चाहिए थी उस तरह से आपने उसे लीज़ को दोबारा से कंटिन्यू कर दिया।
देन एग्जेम्पशन ऑफ लीज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, याद रखेंगे कि जो कहीं भी हम यहाँ पर लीज के सब प्रोविजंस पढ़ रहे हैं ये सब एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए अप्लाई नहीं होते हैं जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन्हें अप्लाई ना करे. नेक्स्ट वी कम टू चैप्टर 6, दैट इज एक्सचेंज. सेक्शन 118 to 121 एक्सचेंज के बारे में हम पढ़ते हैं. सो एक्सचेंज का मतलब क्या है? जहाँ कहीं दो पर्संस म्यूचुअली ट्रांसफ़र कर देते हैं एक चीज़ के बदले किसी दूसरी चीज़ को, देन दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सचेंज. यहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. देन वी कम टू 121, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ मनी. कई बार ये सिंपल ऐसे ही पूछा जाता है कि एक्सचेंज ऑफ मनी इज़ गिवन इन विच सेक्शन. सो 121 याद रखेंगे. नेक्स्ट वी कम टू चैप्टर 7, दैट इज गिफ्ट्स. देखिए गिफ्ट का क्या मतलब है, सेक्शन 122 डिफाइन करता है गिफ्ट का क्या मीनिंग है. सो गिफ्ट का मतलब है जहाँ कहीं किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को, याद रखें टीपीए बता रहा है कि जो गिफ्ट है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है. सो यदि किसी भी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जाता है किस तरह से, वॉलंटरीली विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के अपनी मन मर्जी से अपनी इच्छा से एक पर्सन हु इज़ कॉल्ड एज द डोनर. देखिए डोनर कौन है, जो कि डोनेट कर रहा है वो क्या करता है उस प्रॉपर्टी को देता है किसी दूसरे पर्सन को, जो एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज द डोनी. जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है दैट इज़ द डोनी. ओके एंड गिफ्ट जो है वो हमेशा विदाउट एनी कंसिडरेशन किया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे. फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है रिगार्डिंग दिस कि यदि डोनी की डेथ हो जाती है बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट तो ऐसे सिचुएशन में जो गिफ्ट है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है. नेक्स्ट वे कम टू 123 कि ट्रांसफ़र किस तरह से किया जाता है. तो याद रखेंगे कि यदि ट्रांसफ़र किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का किया जा रहा है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का यदि गिफ्ट किया जा रहा है तो वो हमेशा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होगा, उसमें सिग्नेचर्स भी होंगे, विटनेसेस के द्वारा अटेस्टेड भी होगा. वेयर एज अ गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का यदि गिफ्ट किया जाता है तो वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होगा विच इज़ साइंड और बाय डिलीवरी, या प्रॉपर्टी को डिलीवर करके भी किया जा सकता है. देन वी कम टू सेक्शन 124, गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी. ए गिफ्ट कंप्राइजिंग ऑफ बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी इज वॉइड एज टू द लेटर. यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि अगर किसी फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया जाता है तो वो किस नेचर का होगा. तो याद रखेंगे कि गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज़ अ वॉइड, कभी भी किसी फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट 125, यहाँ से भी क्वेश्चन एक प्रॉब्लम बेस्ड फ्रेम करके दिया जाता है कि गिफ्ट टू सेवरल पर्संस, यदि डिफरेंट पर्सन्स को गिफ्ट किया जा रहा है उसमें से एक पर्सन कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, देन गिफ्ट इज़ वॉइड इन रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन ओनली. बाकी जो भी लोग हैं जिन्होंने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया उनके लिए गिफ्ट वैलिड रहेगा, जिसने एक्सेप्ट नहीं किया उसके लिए गिफ्ट वॉइड हो जाएगा. नेक्स्ट वी कम टू 126, दैट इज़ रिगार्डिंग द रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट, कि क्या गिफ्ट को रिवोक भी किया जा सकता है. सो यहाँ से आपको ध्यान रखना है इलस्ट्रेशंस काफ़ी पूछी जाती हैं ये दोनों ही. तो अगर जो डोनर है और जो डोनी है, मीन्स जो गिफ्ट दे रहा है और जो गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों आपस में एग्री कर लेते हैं कि किसी भी ऐसे इवेंट के बेसिस पर, कोई भी ऐसा इवेंट जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, अगर वो इवेंट हो जाता है या नहीं होता है, इस तरह से कोई अगर वो स्टिपुलेशन करके आपस में एग्री कर लेते हैं, देन दैट पर्टिकुलर कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड एंड उस कंडीशन के बेसिस पर गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता है. लेकिन याद रखें कि यदि कोई कंडीशन जो लगाई गई है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपॉन द विल ऑफ द डोनर, कि जो डोनर है उसकी इच्छा के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में गिफ्ट
वॉइड हो जाएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पर इलस्ट्रेशन में दिया गया है कि ए जो है वो बी को 1,00,000 रुपये देता है, पर साथ ही ये भी कहता है कि ए के पास अधिकार है कि वो जब चाहे अपनी मन मर्जी से उस 1,00,000 रुपये में से 10,000 रुपये वापस ले सकता है। सो हियर जो गिफ्ट है इन रिस्पेक्ट टू दीज 10,000 रुपीज़, ये गिफ्ट वॉइड हो जाएगा बिकॉज जो ये कंडीशन लगाई गई है दिस इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी सच फैक्ट जो कि उनके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से जो कंडीशन लगाई जा रही है वो डोनर की इच्छा के ऊपर लगाई जा रही है। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज 10,000 रुपीज़ गिफ्ट वॉइड हो जाएगा, वेरस जो बचे हुए 90,000 रुपये हैं उसके लिए गिफ्ट को वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 127, दैट इज़ ऑनरस गिफ्ट। डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है सेक्शन 127 में ऑनरस गिफ्ट के बारे में बताया गया है। देखिए ऑनरस का मतलब क्या होता है, बर्डनसम, कि जहाँ कहीं यदि किसी गिफ्ट के साथ कोई बर्डन भी है, कोई भार आपके ऊपर डाला जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लायबल होंगे ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, जितना भी आपको मिल रहा है केवल उसके लिए। एंड ऑल्सो याद रखें कि ऑनरस गिफ्ट के रिस्पेक्ट में यदि आप उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको बर्डन को भी एक्सेप्ट करना होगा, और यदि आप गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तो बर्डन को एक्सेप्ट करने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखें कि ऑनरस गिफ्ट के रिस्पेक्ट में यदि जो डोनी है वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है तो जो भी उस गिफ्ट के रिस्पेक्ट में कोई बर्डन्स हैं, कोई ऑब्लिगेशंस हैं, उन सबको भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 128, दैट इज़ यूनिवर्सल डोनी। ये काफ़ी पूछा जाता है। यूनिवर्सल डोनी का मतलब है कोई भी ऐसा डोनी जिसको जो डोनर है उसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ जो भी उसके पास था, सब कुछ यदि डोनेट कर दिया गया है तो दैट इज़ अ यूनिवर्सल डोनी, कि जो डोनर ने अपनी होल प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी है, देन द डोनी इज़ कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल डोनी। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि जो यहाँ पर गिफ्ट के प्रोविजन्स हैं वो अप्लाई नहीं होते टू मॉमडन लॉ, ओके। एंड ऑल्सो ये भी याद रखेंगे कि जो चैप्टर 2 था वो भी मुस्लिम लॉ के ऊपर मॉमडन लॉ के प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करता। सो नाउ वी कम टू चैप्टर 8, दैट इज़ ट्रांसफ़र बाय एक्शनेबल क्लेम्स, हमारा लास्ट चैप्टर। सेक्शन 130 से लेकर के 137 तक यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं। तो सेक्शन 130 याद रखेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम, किसी भी एक्शनेबल क्लेम को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है। तो बस यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपको कि एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफ़र किया जाएगा बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, राइटिंग में ही ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, बस इतना याद रखेंगे। इलस्ट्रेशंस पढ़ लेंगे। 131, दैट इज़ नोटिस टू बी इन राइटिंग, जो भी नोटिस यहाँ पर दिया जा रहा है वो राइटिंग में ही होगा। लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ एक्शनेबल क्लेम, जिस भी पर्सन के फेवर में एक्शनेबल क्लेम किया जा रहा है तो जो ट्रांसफरी है वो उस प्रॉपर्टी को लेगा सब्जेक्ट टू ऑल द लायबिलिटीज एंड इक्विटीज़, कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कोई लायबिलिटीज़ हैं वो सब लायबिलिटीज़ भी उस पर्सन के पास आ जाएंगी। 134, देन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है रिगार्डिंग दिस, इन कैपेसिटी ऑफ द ऑफिसर्स कनेक्टेड विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि कोई भी जज, कोई लीगल प्रैक्टिशनर या कोई भी इस तरह के ऑफिसर्स कनेक्टेड विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सब किसी भी तरह से स्टिपुलेट नहीं करेंगे या फिर रिसीव नहीं करेंगे कोई भी एक्शनेबल क्लेम। एक तरह से इनके ऊपर ये एक बार इम्पोज किया गया है कि कोई भी जज, लीगल प्रैक्टिशनर्स और कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड कोई भी सदस्य एक्शनेबल क्लेम को रिसीव नहीं करेगा। देन 137 एंड आर लास्ट सेक्शन, दैट इज़ सेविंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कि जो यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम के रिस्पेक्ट में हमने प्रोविजंस पढ़े ये सब प्रोविजंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। देखिए नथिंग इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के यानी कि चैप्टर 8 के जो प्रोविजंस हैं ये किसी भी स्टॉक, शेयर्स और डिबेंचर्स या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच आर फॉर द टाइम बीइंग बाय लॉ और कस्टम नेगोशिएबल है या कोई भी मर्केंटाइल डॉक्यूमेंट है ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स, इन सब को अफेक्ट नहीं करेगा। सो ये एक एक्सेप्शन
ध्यान रखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। देखिए, हमने काफ़ी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है, सभी इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जहाँ से डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सभी कुछ हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। प्लस हमारे चैनल पर वेरियस इसी तरह के वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। ऑल्सो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर नोट्स काफ़ी अवेलेबल हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। हमने डिस्कस किया है अदर सब्जेक्ट्स में किस तरह के एमसीक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, एंड ऑल्सो हमने मेंस आंसर राइटिंग को भी डिस्कस किया है। सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। सो डू प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो डू हिट द लाइक बटन ताकि हम समझ सकें कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। एंड गुड लक, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।